इंडिया के नॉर्थ के स्टेट्स के खाने की बात ही अलग है, फिर वो कश्मीर का वाजवान हो, यूपी के ककोरी कबाब, दिल्ली का बटर चिकन या फिर चंडीगढ़ के छोले भटूरे। चलिए सैर कराते हैं आपकी इंडिया के नॉर्थ के कुछ स्टेट्स के लोकल डिशेस की। शुरुआत करते हैं नॉर्थ के सबसे खूबसूरत कश्मीर से। वाजवा एक 36 कोर्स लाविश मील होता है, जहां पे 15 से 30 डिशेस मीट के होते हैं। ये एक सेलिब्रेशन बैंकवेट के तौर पे फैमिली के साथ खाया जाता है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिशेस ऑफ द रीजन। नादर मुंजे लोटस स्टेम से बने स्नैक्स होते हैं जो काफी सिंपल रेसिपी से बनते हैं। लेंथ वाइज लोटस स्टेम को कट किया जाता है और इसमें नमक और कश्मीरी चिली पेपर डालकर फ्राई किया जाता है। ये सुनने में काफी सिंपल है, लेकिन आपको कश्मीर के हर स्ट्रीट वेंडर के पास ये मिलेंगे, विच इज वाई दे मेक इट टू आवर लिस्ट। कश्मीर का ये पॉपुलर मीठा मोदर पुलाव सिनेमन, केसर, मिल्क और घी से बनता है। यहाँ पर लोकली ग्रोन सैफ्रॉन को यूज करते हैं, विच मेक्स द पुलाव फ्लेवरसम एंड गिव्स इट अ गुड फ्रेग्रेंस। अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। कफूली इज द मोस्ट ट्रेडिशनल फूड ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम द पहाड़ी क्विजीन। इट इज ऑफर्ड टू ऑल गेस्ट्स एंड इज अ मिक्स ऑफ स्पिनच एंड फेनुग्रीक लीव्स विद स्पाइसेस। ये डिश हेल्दी न्यूट्रिएंट्स का काफी अच्छा मिश्रण होता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसिपीज इन द गढ़वाल रीजन इज चैनसू, जिसे उड़द दाल से बनाया जाता है। इसकी स्पेशलिटी इसे बनाने का तरीका है, जहां इसे आयरन की कढ़ाई में स्लो फ्लेम पर घंटों कुक किया जाता है। गढ़वाल का फना इज कंसिडर्ड अ स्टेपल डाइट इन मसूरी। द डिश इज नॉट ओनली डिलिशियस बट इट इज ऑल्सो अपीलिंग टू द आईज। और इसे कुलड़ दाल से बनाया जाता है। इट्स बेस्ट ईटन विद राइस। ट्रू ब्लू रॉयल डेलिकेसी भरवान चिकन पसंदा इज हार्टी एंड होलसम। चिकन ब्रेस्ट को रिच खोया चीज मिक्सचर के साथ स्टफ किया जाता है और इस पर कोकोनट और कैश्यू सॉस ड्रिजल किया जाता है। इट इज इंडीड अ फिलिंग मील। अ फेमस नवाबी रेसिपी फ्रॉम लखनऊ पास्ड डाउन थ्रू जेनरेशंस, ककोरी कबाब का नाम ककोरी सिटी, जो लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में है, वहां से आया है। It is made with the finest meat of the lamb and a few spices. Bhindi ka salan is native to the Mughlai cuisine. The recipe actually tweaks the authentic mirch ka salan and uses lady fingers instead. Crispy fried bhindi ko yogurt based gravy mein add kiya jata hai aur is dish ko banaya jata hai. And in Chandigarh, chole bhature combines the richness of chickpeas in gravy with fluffy bhatures. When eaten together, they form an essential North Indian dish, jise kabhi bhi khaya jata hai, breakfast, lunch ya phir dinner mein. A typical North Indian delicacy, rajma ki rich gravy banai jati hai and it is served with rice. It is the most nourishing dish and sabse popular bhi street food fans ke beecho beech. A dish synonymous with Punjab, sarso da saag and makke di roti have won the hearts of millions across India. Sarso ke patto ko alag alag spices ke saath pakakar makke di roti ke saath khaya jata hai. Ye dish mainly winter season mein khai jati hai as it gives a lot of warmth. Aur jab baat North Indian states ki ho rahi ho, to hamare Delhi ko kaise peeche chhod de? Chaliye chalte hain Delhi ki or. One of the most gratifying dishes on this planet, butter chicken, originate ही दिल्ली में हुआ था। कहा जाता है कि गलती से शेफ ने तंदूरी चिकन को सॉस में ऐड कर दिया था। हाँ जी, ये डिश वर्ल्ड वाइड फेमस है और इसे टोमेटो ग्रेवी में बनाया जाता है, बहुत सारे बटर और चिकन पीसेस के साथ।
पुरानी दिल्ली एंटर करते ही खाने की खुशबू की ओर आप खींचे चले जाएंगे और इनमें से है नल्ली निहारी, ऐसी ही एक डिश। This rich spice gravy of slow cooked meat is served with tandoori rotis और ये रॉयल फैमिलीज में काफी फेमस डिश हुआ करती थी। परौठे तो दिल्ली की शान है, यहाँ तक कि चांदनी चौक में एक लेन का नाम तक परौठे वाली गली है। हेल्दी ब्रेकफास्ट के तौर पर खाने से लेकर एक कॉलेज स्टूडेंट का फेवरेट स्ट्रीट साइज पर भी मिलता और घर घर में बनता। परौठा काफी वर्सेटाइल डिश है, इसे दिल्ली में अलग अलग स्टफिंग के साथ बनाया जाता है और कई वैरायटीज के परौठे मिलेंगे। खैर, इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स में इतने खाने की वैरायटीज है कि हम इस वीडियो में सब तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन कुछ चंद ऐसी रिकमेंडेशंस है जिन्हें आपको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए।